सो सिमिलरली इन 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 लेट्स से मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग में आप जाएं, आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर है, उन्होंने फॉरन पहचान दिया आपको, आपका ऑर्डर तैयार हो गया. सो मैं समझता था रिटेल में इसकी एप्लीकेशन होगी, बट हेल्थ केयर का समझाएं मुझे. सो हेल्थ केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक जहां पे आपको प्रिसीजन रिक्वायर्ड है, जहां पे आपकी ह्यूमन लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, वट एवर यू आर डूइंग इट्स पार्ट ऑफ समथिंग दैट यू आर डूइंग विद योर हैंड्स, राइट? सो वहां पे प्रिसीजन, देन डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम सर्जन्स आर लाइक बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड देन इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड आउट द बेस्ट डिसीजन एट दैट स्टेज. सो वहां पे भी उनकी एप्लीकेशन है. एंड देन आप अगेन ह्यूमनॉइड रोबोट को, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज एज अ ह्यूमन, राइट? बट आप अगर ये सोचें कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ आईज होती हैं एंड लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होते हैं एंड वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए होते हैं एंड दिस इज द वॉल्यूम दैट यू हैव एज अ होल स्ट्रक्चर, सो वो अभी भी ह्यूमन जो रोबोट्स हैं वो हमारे साथ इंटीग्रेटेड हैं. जस्ट लाइक द बेसिक एग्जाम्पल इज योर फेसबुक और सोशल मीडिया एप्स, वो आपका पूरा जज कर रहे होते हैं कि वॉट डू यू वॉन्ट, वॉट आर योर डिजायर्स, आप किन से मिलना चाहते हैं, किन से नहीं मिलना चाहते, किन लोगों को सजेस्ट करें एज अ फ्रेंड ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उनसे कन्वर्सेशन कर सकें. So it's already happening. But it's that's more of an algorithm, right? मतलब मैं अगर ये कहूँ कि let's say अगर अभी हम मैंने McDonald's का जिक्र कर दिया है, I know कि मैं Instagram खोलूंगा मुझे McDonald's का ad नजर आ जाएगा because the audio is picked it up and it's going to feed the algorithm and so on, right? So I understand from an algorithmic point of view कि we are already living in that. But the minute you put a mechatronic structure, yeah, ठीक है ना, that's when it gets freaky, it gets weird. यार कि there's a अच्छा इस पे movies भी बन रही हैं, ठीक है. There was a couple of movies that came out. यार एक वो movie थी किसकी थी कि the guy fell in love with his robot. Her. ठीक है. फिर उससे पहले about 10-15 years ago Minority Report के अंदर चीजें थी जो दिखाई थी. एक Ethan Hawke की एक movie थी which I remember जिसके अंदर ये AI bots वगैरह थे. So society has been sensitized towards a future which is for us it's close by. Yeah. Where they will be part of our everyday life. But based on what you're seeing, I'm curious, which part of that life will they come in first? You know? So I think it's like, abhi, it's, the hardware is very challenging and it's very expensive. How much does it cost to make one? So for example, it all depends where are you making it. In Pakistan? In Pakistan, if you want to make a humanoid robot, I think, initial cost would be 2-2.5 crore to aapko lag hi jayenge ek bot ke to able to ha. So that's the real challenge with the bahar kya cost hogi usi you can do 10x 10x yeah. And I saw a robot playing violin in a cafe if you are like Geneva usme jate hain, so unke airport pe there is a cafe where just the human ride is like standing at this point aur wo violin jo hai na play kar rahi hai. So, उसका कोई और पर्पज नहीं है, जस्ट टू मेक पीपल फैसिनेट अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड ऑल दो. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स के वो आपको इंस्पायर करने के लिए बनाई जाती हैं. उनका पर्पज सिर्फ इंस्पिरेशन देने के लिए होता है एंड देन यू सी द रिजल्ट्स एंड बिकॉज पाकिस्तान इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट. सो जब मैंने आपको प्राइस बताई सो यू वर लाइक यार ये तो इतना है, लेकिन इफ यू आर कोटिंग द सेम प्राइस इन एल्सवेयर इन द वर्ल्ड तो वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट नहीं है. दे वॉन्ट लॉट ऑफ इनोवेशन, दे वॉन्ट लॉट ऑफ थिंग्स. 2 crore तो बुरा नहीं है. हाँ, तो इट्स नथिंग फॉर देम कि अगर एक आपकी जगह एक रोबोट ही बैठा हो और वो आपके सारे काम कर दे एंड यू आर एंजॉयिंग इन अ बीच इन दिस वेदर. सो ऑफ कोर्स प्लीज आप बना, यू लव टू हैव, मैं तो कमीशन करने को तैयार हूं, मुझे रिप्लेस कर. So this is how you are going to have the humanoid robot initially. अच्छा तो यानी कि मेरी replacement cost 2 crore रुपए है पाकिस्तान में, हाँ? Yeah.